धन्यवाद। सर, आज आपका मछली शहर में आगमन हुआ है, किस रूप को लेकर आगमन हुआ है, इसे थोड़ा विस्तार करिए। देखिए, आगमन तो ये हमारा दौरा बहुत मार्मिक दौरा है, भावनाओं से जुड़ा हुआ ये दौरा है। कटवार ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान सुभाष चंद्र बेन थे, जो हमारे पिछड़ा दलित महासंघ के वाराणसी मंडल के सेक्रेटरी थे, सचिव थे। आकस्मिक उनका निधन हो गया। जैसे हमको खबर मिली, बहुत हमारे दिल को झटका लगा, क्योंकि हमारे बहुत मजबूत साथी थे। और यदि मैं अपने अध्यक्ष जी की भाषा में कहूं तो शेरे कटवार थे, बहुत महत्वपूर्ण साथी थे। उनका निधन होना पूरे संगठन के लिए बहुत क्षति का विषय बना, लेकिन चूंकि अब ईश्वरीय विधान है, उनको जाना था। तो एक तो हमने अपने संगठन के पदाधिकारियों से कहा कि भाई मैं आना चाहता हूं और उनके यहां चल के श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। संगठन के सभी पदाधिकारियों ने अपनी तैयारी बना ली। तो आज एक तो वहां शोक सभा करना था, वहां अपने पदाधिकारियों के साथ शोक सभा किए। दूसरा, हमारे संगठन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय देव सरन जी हैं, इनका भी चूंकि परेशानी हार्ट की चल रही थी बहुत पहले से, तो इनका भी ऑपरेशन हुआ, स्टेंट वगैरह डाला। तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी कि मैं अध्यक्ष के पास मैं पहुंचूं। तो उसी कड़ी में फिर अध्यक्ष जी के यहां आए। पिछड़ा दलित विकास मंत्री इस बार लोकसभा चुनाव में किस तरीके से उत्तर प्रदेश में किस पार्टियों को सपोर्ट करना चाहती हैं, और क्या किस मुद्दों को लेकर पिछड़ा दलित विकास मंच उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहा है? देखिए, पिछड़ा दलित महासंघ तो ये जो विचारधारा है वो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तर्ज पे हम सब लोग मिलके काम करते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण नहीं है, 14% है, तो वो लड़ाई हम वहां लड़ रहे हैं कि 27% आरक्षण हो। वैसे बेसिक तो हमारा ये है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यदि 85% हम लोगों की जनसंख्या है तो 85% हम लोगों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और मेरा अपना जो सोचना है मैं आपको अभी बता दे रहा हूं। आदमी कहता है देश आजाद हो गया, अरे जब देश आजाद हुआ अंग्रेजों का शासन था, जब अंग्रेजों का शासन था उससे पहले जितनी जमीन जायदाद संपदा प्रभुता जो थी वो अंग्रेजों के पास थी ना। तो जब देश आजाद हुआ तो वो सारी संपदा का अधिकार तो देश के हर प्राणी को मिलता है ना। तो किसी के पास 4,000 बीघा खेत है, किसी के पास कोठी हवेली अटारी है, और किसी के पास 1 बीघा भी नहीं है, तो किसी के पास रहने की झोपड़ी भी नहीं है। तो मैं तो ये मानता हूं कि जैसे अंग्रेजों ने शासन किया, अब जो समाजवादी व्यवस्था के लोग हैं वो शासन कर रहे हैं हम लोगों के ऊपर। तो अब मिशन तो यह है कि भाई आपने सवाल किया कि किसके साथ काम करेंगे। हमारे संविधान, हमारे मिशन, हमारे लक्ष्य के साथ जो चलना चाहेगा, ऐसा लगेगा कि समाजवादी पार्टी हमारी मदद करना चाहती है, हमारे पिछड़े दलितों के हितों की रक्षा करना चाहती है, तो हम समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो जाएंगे। इंडिया गठबंधन में अगर समाजवादी पार्टी अब ज्वाइन भी हो चुकी है, क्या आप भी समर्थन करेंगे? देखिए, हमारी तो मुद्दों पे, देखिए हम कोई राजनीतिक दल नहीं है, हम तो सामाजिक संगठन है, लेकिन मुद्दा यदि समाजवादी पार्टी हमारी मानती है, उठाती है। जैसे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव, आपने देखा होगा आजकल हर जगह कहते हैं कि नहीं भाई जातिवार जनगणना होना चाहिए, संख्या के आधार पर भागीदारी मिलनी चाहिए। तो यदि वो इस स्टैंड पे कायम रहते हैं तो उनके साथ खड़े हो जाएंगे। बीएसपी इस समय जनाधार खोती जा रही है, तो भाई ताकत वहीं लगाना है कि हम सांप्रदायिक ताकतों को रोक सकें। जो देश को लूटने का काम कर रहे हैं उनको कौन रोक सकता है, उस
पक्ष में हम लोग कदम उठाएंगे और उसको मदद और ताकत देने का काम करेंगे हम लोग। भाजपा सरकार के समय जो है गैस सिलेंडर को 200 रुपए कम कर दिए, इससे आप क्या कहेंगे? भाजपा सरकार तो 1200 बढ़ा देती है और 200 कम कर देती है, उससे फायदा क्या है? 400 का सिलेंडर 1200 पे ले गए और इसके बाद 200 रुपए आपने घटा दिया। वो भी कब घटाया? जब मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में चुनाव है, उसके बाद 6 महीने बाद आपके लोकसभा का चुनाव है। तो आपने तो जनता को गुमराह करने का काम किया, कोई जनता का हित ऐसी थोड़ी है। आप तो पूरे देश के जो हमारे साथी हैं उनको आपने बेरोजगार बना दिया, अपने पैरों पर खड़े नहीं होने देते हो। क्योंकि आपको मैं बता दूं उदाहरण, जिसको भीख मांगने की आदत पड़ जाएगी वो जिंदगी में कभी काम नहीं कर सकता है। उसी तरह से हमारे जो लोग हैं इनको फूट डालो राज करो के तहत इनको 5 किलो राशन और घी तेल और तमाम चीजें, क्या चुनाव आता है तो देने लगते हैं। और ये हमारे जो लोग हैं, अब चूंकि देखिए गरीब तो है, गरीब इस दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप गरीबी है, और गरीबी की मार झेलते झेलते उनको ये लगता है कि चलो यार अभी हाल फिलहाल 10 किलो आटा मिल जाए, 5 किलो चावल मिल जाए, 1 किलो चीनी मिल जाए, 100 ग्राम दाल मिल जाए, 100 ग्राम तेल मिल जाए, हमारे 4 दिन का काम चल जाएगा, उसमें हमारा आदमी मारा जाता है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी जी का कहना है अपराध मुक्त हो चुका है भारत, वहीं ट्रेन में एक महिला का जो है उसके साथ बताया जा रहा है बलात्कार हुआ, उसको खून से लथपथ हुई, इससे क्या जानकारी है इसको थोड़ा बताइए। अब ये बताइए कि जिसके राज में पुलिस प्रशासन पूरे देश के सुरक्षा के मद्देनजर सेना को तैनात किया जाता है कि बॉर्डर की सुरक्षा करेंगे, पुलिस को तैनात किया जाता है कि जो प्रदेशों का जो प्रशासन है उसके हाथ में रहे, जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो आपका प्रदेश और देश आपका सुरक्षित है कहां? अभी जो बुलडोजर की चल रही है चर्चाएं, अपराधियों पर बुलडोजर चल रहा है, क्या सही अपराधी जो हैं जिनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं, क्या उनके ऊपर भी बुलडोजर चल रहा है उनके साथ? नहीं, उनके ऊपर बुलडोजर चलना नहीं है, जो उनके पार्टी से लगे हुए जो लोग हैं, उनके पार्टी से जुड़े हुए एमपी एमएलए जो माफिया है उनके ऊपर कोई बुलडोजर, उनके लिए कोई कानून नहीं है। ये बुलडोजर वाला कानून किसके ऊपर है? जो विरोधी दल के जो लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको धराशायी किया जा रहा है, उनको ध्वस्त किया जा रहा है। बीजेपी के जो लोग हैं उनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? अपराधी तो वो भी है ना। आपके किस संगठन के माध्यम से उन परिवारों को क्या सहायता मिलता है जो असहाय है? नहीं, हमारे संगठन के लोग लड़ाई लड़ते हैं और सरकार से जो सहायता दिलानी होती है वो सरकार से ही दिलाते हैं। जैसे मैं तो आपको बता दूं, मैं तो मध्य प्रदेश में रहता हूं, मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, लेकिन कुछ मंत्री मिनिस्टर एमपी एमएलए हमारे पर्सनल रिश्तों के लोग हैं तो हमारी चिट्ठी जाती है, तो उस चिट्ठी के माध्यम से भी सहायता मिलती है हमारे लोगों को। एक फोटो खींच लूं पिछड़ा दलित विकास महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय मंत्री जी ने जो है मध्य प्रदेश के पिछड़ा दलित विकास महासंघ, पिछड़ा दलित विकास महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिंदाबाद, दत्तान सिंह यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, दत्तान सिंह यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, पिछड़ा दलित विकास महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद,
विकास महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद पिछड़ा दलित विकास महासंघ।